नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा पानो। चलिए बढ़ते हैं महोबा की कुछ मुख्य खबरों की ओर। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बजरिया मोहल्ले का है, जहां सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के रहने वाले सोमदत्त मिश्रा की बेटी वर्षा मिश्रा की शादी जून 2010 में महोबा जिला मुख्यालय के रहने वाले राखी राम त्रिपाठी के बेटे उमेश त्रिपाठी के साथ हुई। बीती रात ससुराल जनों द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में वर्षा को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मां की मौत से मृतिका वर्षा के मासूम बच्चों का रो रोकर बुरा हाल है, तो वहीं पड़ोसियों द्वारा सूचना मिलने पर महोबा पहुंची मृतिका वर्षा के परिजनों ने पति उमेश, ससुर राखी राम त्रिपाठी, सास रामश्री और जेठ अवधेश त्रिपाठी पर दहेज की मांग पूरी न होने पर आए दिन मारपीट करने और वर्षा की हत्या कर शव फांसी से लटकाने की गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है, तो वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। महोबा से संवाददाता रिंकू खान की रिपोर्ट। मार दिया उन लोगों ने सब, हम लोगों को कॉल किया, बोले आ जाओ, घर में फोर व्हीलर खड़ी होने के बावजूद बाइक से हॉस्पिटल लेके आए। क्यों मार दिया? कई तरीके प्रताड़ित करते रहते थे, ये करो वो करो, पैसे लाओ ये करो, नहीं नहीं हो पाए, पैसे व्यवस्था नहीं हो पाई, नाटक कर दिया 2010 में। समझाए इसकी, क्योंकि बच्चों का संग है, नहीं चाहते घर बर्बाद हो जाए, हर तरीके से घर बनाना चाहते, किसी तरीके से घर बने, बर्बाद होने में क्या, दोनों घर बर्बाद होते, इसलिए बर्बाद बनने के चक्कर में, दूसरे संबंध करने के चक्कर में ये विवाद स्थिति बनी। क्या हुआ था? अब कल का सर जो बच्ची बता रही, अभी हम लोग तो थे नहीं, हम लोगों तो जैसे कॉल पहुंचा 38 मिनट में, हम लोग छतरपुर से यहाँ 12:10 पे छतरपुर से महोबा हॉस्पिटल पहुंचे। क्या बताया आपने? हमने ये बताया, बोले कथन क्या किया, कुछ नहीं बोले, पहुँची